श्री महालक्ष्मी सेवा संस्था के तत्वाधान में उज्जैन में दिव्य सत्संग महाकुंभ आयोजन के अंतर्गत योग शिविर, हवन पूजन, श्रीमद् भागवत कथा, दिव्य प्रवचन, रात्रि कालीन, नानीबाई का मायरा, ज्योतिष शिविर, निशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति शिविर, नेकी घर, रात्रि कालीन भजन संध्या, भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान विशेष आकर्षण बाल मेले फूड जोन का आयोजन 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक किया जा रहा है। आयोजन सुबह से रात तक रहेगा। इस दौरान सांस्कृतिक, परोपकारी, समाज सेवी, सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक सुख, मनोरंजन, व्यंजन सभी गतिविधियां आयोजन के अंतर्गत रहेगी। उक्त आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। वही इस दौरान श्री प्रतिभा पांड्या दीदी के मुखारविंद से भागवत कथा का रसपान करवाया जा रहा है। आयोजन में दिनेश शर्मा इंदौर, दीपक वैष्णव, स्वयं प्रभा नागर, कैलाश गिरी महाराज, जितेंद्र दास महाराज, रोहित गुरुजी, मानस गुरुजी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्री महालक्ष्मी सेवा संस्था द्वारा आज दिनांक 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक दिव्य सत्संग महाकुंभ का आयोजन राजगिरी की धारा में किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिससे मुख्य रूप से सुबह से लेकर शाम तक के आयोजन है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के आयोजन है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा और 9 बजे से 11 बजे तक हवन पूजन होगा। उसके पश्चात 12 बजे से 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा और भागवत कथा के साथ यहाँ एक विभिन्न भागवत प्रवक्ता द्वारा 7 दिन तक अलग अलग प्रवक्ता द्वारा दिव्य सत्संग का एक घंटे का सत्संग रखा जाएगा। सत्संग के साथ साथ यहाँ पर रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, नशा मुक्ति शिविर और गरीब अनाथ आश्रय बच्चों के लिए भोजन कपड़े की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। भंडारे में लगभग आसपास के 10 गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। हजारों की संख्या में यहाँ इस आयोजन में सम्मिलित होने की एक बच्चों और के लिए हमने इस एरिया में एक मेले का आयोजन भी किया है, बाल मेला, जिसके अंतर्गत यहाँ एक बड़े से पंडाल में मेले का आयोजन किया जाएगा जहाँ मिकी माउस और व्यंजनों का गरमा गरम जो सर्वप्रथम महाकाल महाराज की जय हो। उज्जैनी की सेवा संस्थान का यह वार्षिक उत्सव भी है। इसी उत्सव में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है जो 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच मनाया जा रहा है। इसमें अनेक प्रकार के प्रोग्राम हैं और सारे प्रोग्रामों को एक ही मंच पर और एक ही पंडाल में करने जा रहे हैं। महालक्ष्मी सेवा संस्था जैसे दिव्य सत्संग को लेकर के आपके बीच में ही शहर में सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो है अधिक से अधिक संख्या में बढ़ा कर इस महालक्ष्मी सेवा संस्थान के इस अनूठे आयोजन को जो है सफल बनाएं और सभी। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।